हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्राउन आरआर ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक ही होंगे। तो फिर आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक खास न्यूज़ है, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे लेपर्ड वन से हमारे इलाके में आ गया है और कैसे उसने मतलब कितने लोगों को नुकसान पहुँचाया है। काफ़ी ज़्यादा लोग डरे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग सहमे हुए हैं और रात को जो है लोगों ने आना जाना बंद कर दिया है। और ये तेंदुआ के डर से ये जो लैपट है इतना डरावना है, इतना बड़ा है, ये भी नहीं पता था कि कितने तेंदुए हैं, कितने लैपट हैं जो वन से आ गए हैं हमारे इलाके में। एक दो को तो वन विभाग वाले पकड़ के ले गए थे, फिर भी देखने को मिला जहाँ तहाँ कि हाँ यहाँ है वहाँ है। एक सिक्योरिटी गार्ड जो सो रहे थे, कैसे अपने जान बचाएँ और कैसे जो है उन्होंने वीडियो बनाया और फिर वीडियो सबको सुबह दिखाया, तब सबको पता चला कि हाँ लैपर्ड था, उसने इतने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। तो इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए एक ख़ास बात लेके आई हूँ। अगर आप ये सोचते हैं कि तेंदुआ जो है सिर्फ नीचे देखा जा सकता है, तो नहीं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि लैपर्ड सीढ़ियों पर भी चढ़ सकता है। वो आप अगर 5वीं 10वीं मंजिल पे भी रहते हैं तो भी सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि तेंदुआ जो है कहीं भी जा सकता है, सीढ़ियों पे भी चढ़ सकता है। वो जंगल में पेड़ पे कितनी ऊंची ऊंची चढ़ जाता है, तो प्लीज़ सावधान रहें। इन भैया को खा गया था, मतलब पैर वैर में कहीं कहीं काट लिया था, तो प्लीज़ आप लोग सावधान रहें। इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए एक ख़ास बात, एक ख़ास न्यूज़ लेके आई हूँ, जो आप सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे कि क्या बात था। तो ये जो लैपर्ड था, इन्हें वन विभाग वाले पकड़ के ले गए हैं। ये काफ़ी खुशखबरी की बात है। इस तेंदुए के डर से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ पे, उस कंपनियों की नाइट शिफ्ट की छुट्टी भी बंद कर दी गई थी, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। ये जो है लैपर्ड पकड़ा गया। तो प्लीज़ दोस्तों, आप कहाँ से रहते हैं? अगर आप भी गुरुग्राम, नरसिंहपुर या फिर मोहम्मदपुर में रहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए कि आप कहाँ रहते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।